कर रहा तो पड़ जाएगी तुम for the photo later after the Q&A, so we'd like you to cooperate. Thank you. Thank you, Mr. Singh. Is much more, it's not really a film for me, it's like a dream. 16 साल के थे तो ये सोचा भी नहीं था कि किसी दिन तो मेरे लिए ये बहुत एक ऐसा सपना है कि इसको मैं I'm very grateful they are here to speak because सबसे जरूरी क्या है कि this is just a passion it is really madness कि जब मैं और अभिजात जोशी लिखना हमने शुरू किया तो it was just complete madness कि हमने कहा कि हमने कैसे लिखना शुरू किया वन ऑफ द ट्रेलर्स I'll say a few words a little later on, but right now, just like to announce the launch of the first trailer of Broken Horses. Mike, this one. फिल्म है वो लॉन्च की जा रही तो मेरी शुभकामनाएं हैं विनोद के साथ और इतने नामचीन और काबिल डायरेक्टर्स हैं उन्होंने एक फिल्म बनाई है जो इतनी पसंद की जा रही है और मुझे भी बेसब्री से इंतज़ार फिल्म देखने के लिए तो आइए हम इसका दूसरा ट्रेलर देखते हैं Thanks. बनाएंगे फिर हम आए बंबई शहर में और हिंदी फिल्म भी एक बनाना बहुत बड़ा सपना था और आज मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मिस्टर अमिताभ बच्चन यहाँ हैं क्योंकि इनको शायद याद होगा कि जब मैं बंबई शहर में पहली बार आया था तो मैं अपनी डिप्लोमा फिल्म लेके इनके पास गया था ये आज भी बहुत बड़े स्टार हैं तब भी बहुत बड़े और नटराज स्टूडियो में मैंने बुक किया था जगह तो सारा दिन मैं वहाँ खड़ा रहा वेट किया इन्होंने शाम को अपनी गाड़ी में बैठे मैं भी इनकी गाड़ी में बैठा जिसके बारे में मैंने बहुत सुना था मैंने बाथरूम यूज़ किया था चलती गाड़ी में पहली बार ज़िंदगी में तो फिर हम गए इन्होंने फिल्म देखी नटराज स्टूडियो में मर्डर एट मंकील और मुझसे कहा व्हेन डू वी वर्क टुगेदर तो मैं बहुत हंसने लगा मैंने कहा सर माई स्ट्रगल अमिताभ बच्चन ने उस वक्त मेरा जब मैं बिल्कुल स्टूडेंट था तब उन्होंने इन ए वे मेरे को इतना इनक्रेज किया That's why I'm extremely grateful that he's here today. And same way after Parinda, after 40, फिर एक और सपना मन में आया कि एक वहाँ फिल्म बनाए जहाँ जिसकी वहाँ के लोग तारीफ करें सो फिर वो इंग्लिश हमको उतनी अच्छी आती नहीं थी अभिजात जोशी यहाँ बैठे हैं वो विद्या विहार नो छोकरो हैं गुजराती में और हम कश्मीर के लगे विक्रम चंद्रा जो हमारी वाइफ के बहुत अच्छे इंग्लिश राइटर हैं अभिजात को याद होगा जब हम पहले स्क्रिप्ट लिख के विक्रम को भेजते थे तो वो स्क्रिप्ट फाड़ फाड़ के हमको भेजता था और कहता था रबिश शिट आपको याद है अभिजात तो हम हंसते थे एक बार उन्होंने एक पेज पे कुछ नहीं लिखा तो हम खुश हो गए कि हमारे पेज पे कुछ नहीं लिखा भैया बहुत बड़ी बात है तो जैसा मैंने पहले कहा ये ऐसा सपना है जिसको देखना ही बहुत बेवकूफ़ी की बात है और उसको पूरा कर देना मैं समझता हूँ कि दैट इज़ दी ओनली थिंग दैट ड्रोव मी रियली मिस्टर चोपड़ा आरजे कि आप एक रुपये देकर के भी साइन कर लेते हैं एक्टर्स को तो इस फिल्म के लिए जो एक्टर्स आपने चुने हैं हॉलीवुड के क्या किस तरीके की साइनिंग रही अगर आप लेट मी टेल यू अ स्टोरी विच इज अगेन अनबिलीवेबल विंसेंट डिनोफियोज एजेंट टोल्ड देम नॉट टू बोर्ड द प्लेन ही वाज इन न्यूयॉर्क एंड ही टोल्ड मी माय एजेंट इज सेइंग आई एम नॉट बोर्डिंग द प्लेन सो आई सेड बट विंसेंट
all of them actually helped me make this film. Tom Stern, my cameraman, is Clint Eastwood's cameraman. He just made American Sniper. All of them came at literally half their salary to do this film. This film would not be possible without the... Sir, filmen, jab angrezi filmen hindi mein release hoti hain, to hindi naam bhi usko diye jate hain. To isko bhi koi aap hindi naam denge ya same title se? Ji, main chahta hoon ki ye film ki ek apni identity rahe. Broken Horses or Broken Horses But of course, that was our takeoff point. Mr. Bachchan, Amir, Harut, on your left. Both are respectively, which you think will be impressive. The foreign film, ya phir, Indian film. They have not seen Broken Horses. Dekhi, is saal mein, Birdman, aur Imitation Game, aur Whiplash. But my वो क्या नाम है मैं नाम भूल गया Broken Horses नहीं नहीं Grand Budapest right Grand what a wonderful film Grand Budapest film मुझे Wes Anderson Wes Anderson बहुत बहुत प्यारी फिल्म वो मेरी फेवरेट फिल्म तो साल का मध्य है पूरा साल लगा दे दीजिए तो बताएं अच्छा सर आमिर का बर्थडे आ रहा है इनका 50वां जन्मदिन आ रहा है किस तरह अरे 50 साल हो गए तो भी वेलकम टू द क्लब मिस्टर आमिर खान दे आर रियली द बेस्ट एंड आई डोंट नो आई हैवंट थॉट अबाउट रीमेकिंग इट आई हैवंट थॉट ऑफ दैट But I'm privileged to be here with these gentlemen, and I'm very grateful. So Alfonso Cuarón's first reaction was, he was with me in London, and I was there for that screening with him. He said, "I'm overwhelmed." Indian writer, director, and director. No, you will forget the film. बिल्कुल बहुत ही अलग है. Mr. Singh, मेरा. We all have to accept in the industry that getting a clear weekend for one film is not easy. So, मेरा ख्याल हर हफ्ते we are seeing कि multiple films released hoi so that's not a new phenomenon but I think more importantly you know Broken Horses is a film which has really the leads in the film and I think it all starts with that and I think you're going to see that the kind of manner in which we're going to be setting up the film and promoting the film etc between us and Star Broadcaster which is part of our group is in America so proper American you know yes Mr. Chopra show we can do that to wo film dekhne aaye और बहुत 300-400 लोग थे तो मैं आई वॉज इन्वॉल्व इन द रिएक्शन तो अभिजात को याद होगा शायद कि वो फिर आया कभी हिंदी बोले ही नहीं उसने मेरे का तो ही वॉज एज एन इंडियन ही फेल्ट वेरी प्राउड एंड आई वॉज वेरी टच्ड बाय हिज रिएक्शन सो आई थिंक मोस्ट इंडियंस हु कंप्लेन अबाउट अस अबाउट आवर सिनेमा कि हम लोग यार ऐसा सिनेमा आई थिंक एटलीस्ट हियर इज एन अटेम्प्ट We may fail or succeed. तो थोड़ी बहुत तो कहने का मतलब ये है कि कहानी अच्छी हो स्क्रिप्ट अच्छी हो मुझे एक्साइटिंग वो अभी तक मुझे एक्साइटिंग नहीं लगा है तो चाहे वो चाइना की हो अमेरिका की हो दुनिया में कहीं भी फिल्म जहाँ बन रही है अगर वो मटेरियल मुझे एक्साइट नहीं करता है तो फिर मतलब नहीं बनता फिल्म अब आप कोशिश करेंगे कुछ लिखेंगे अगर ये एक्साइट हो गए क्यों अभी जान आई वुड बी वंडरफुल टू वर्क विद अगर ये अंग्रेजी का ट्रेंड चलता है जैसे इंडिया की इंग्लिश राइटिंग चलती है इंडिया की इंग्लिश फिल्म मेकिंग चलेगी कैसे देख पा रहे हैं इसको मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आगे क्या होगा या आगे किस तरीके से मेकर्स और ज़्यादातर मेकर्स अंग्रेजी में ज़्यादा दक्ष है ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं अब मुझे एक खतरा दिख रहा है कि अंग्रेजी फिल्म मेकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और हिंदी का प्रभाव नहीं रहूँगा तो ये खतरा आपको मुझसे नहीं होगा और ये खतरा आपको हमसे भी नहीं हो सकता क्योंकि हम वहाँ 6 महीने रहे जब हम वापस आए हिंदुस्तान तो मेरी 25 दूनी इतनी सी थी और अग्नि वो एयरपोर्ट पे मेरे जो सिक्योरिटी गार्ड्स को हग करने लगी सो नाइस टू बी बैक सो मतलब कि हम बिल्कुल हिंदुस्तानी ऊपर से नीचे तक गए वहाँ काम करेंगे सिर्फ इसलिए कि अपने देश का Fantastic. On that note, members of the media. No, Mr. Bachchan has to answer that. Then the question was posed to him. He have answered. यदि मुझे कोई ऐसा अवसर मिलेगा जहाँ पर मुझे चुनना हो मैं सर फोन साइलेंस पे ना
प्रदीप भाई थैंक यू कब बोलोगे? हेलो चेक 1 2 3 चेक 1 2 3 हेलो चेक 1 2 3 चेक 1 2 3